हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि D-Link राउटर के मॉडल नंबर DIR615 में मैक क्लोनिंग कैसे किया जाता है। मैक क्लोनिंग का मतलब यह है कि राउटर के मैक एड्रेस को कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने राउटर को सिस्टम में या मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे। राउटर कनेक्ट होने के बाद कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करके राउटर का डिफॉल्ट आईपी वेब यूआरएल में इंसर्ट करके राउटर को लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस राउटर को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो चलिए हम अपने राउटर का यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करके राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस राउटर का करंट में जो मैक एड्रेस है वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक एड्रेस लिखा है और इसी मैक एड्रेस को मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप कर्सर लेकर जाएंगे तो बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे। फिर यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको कर्सर लेकर जाना है। फिर आपको वैन ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। वैन ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कनेक्शन लिस्ट दिखाई देगा। कनेक्शन लिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पर स्टैटिक आईपी लिखा है, तो जो मेरा इंटरनेट का कनेक्शन टाइप है वो स्टैटिक आईपी है। तो अगर आपका कनेक्शन टाइप डायनेमिक है तो यहाँ पर डायनेमिक दिखाएगा, अगर ट्रिपल पीओई है तो ट्रिपल पीओई दिखाएगा, और अगर स्टैटिक आईपी है तो स्टैटिक आईपी दिखाएगा। जो भी कनेक्शन टाइप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मैक एड्रेस क्लोन करना है या मैक एड्रेस चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्शन लिस्ट है इस पर क्लिक कर लेना है। तो करंट में इस राउटर का यही मैक एड्रेस है, आप देख सकते हैं, और इसी मैक एड्रेस को मुझे चेंज करना है, यानी मैक क्लोन करना है। तो अगर आपके पास कोई मैक एड्रेस पहले से ही है तब भी आप यहाँ पर वो मैक एड्रेस टाइप करके मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, यानी क्लोन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई मैक एड्रेस नहीं है तो जिस सिस्टम या मोबाइल में आप राउटर को लॉगिन किए हैं उस सिस्टम या मोबाइल के मैक एड्रेस से आप राउटर के मैक एड्रेस को क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बटन दिया है, इस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक एड्रेस चेंज हो गया है। आपको नीचे आना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। थोड़ा प्रोसेसिंग होता है और आप देखेंगे आपके राउटर का जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, यानी मैक एड्रेस क्लोन हो जाता है। होम ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंट में इस राउटर का जो मैक एड्रेस है वो क्लोन हो गया है। राउटर का मैक एड्रेस क्लोन होने के बाद अगर आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, यानी राउटर का जो मैक एड्रेस हो वही मैक एड्रेस यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर इंटरनेट ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको वैन ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर कनेक्शन लिस्ट जो भी रहेगा उस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट मैक एड्रेस, यानी अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो राउटर का मैक एड्रेस है वो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राउटर का जो मैक एड्रेस है वो आ गया है। नीचे आपको अप्लाई ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। होम ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके राउटर का जो मैक एड्रेस है वो रिस्टोर हुआ है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके राउटर का जो मैक एड्रेस है वो रिस्टोर हो गया है। तो इस तरह से D-Link राउटर के मॉडल नंबर DIR615 में मैक क्लोनिंग कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।